हाई एवरी वन वेलकम टू से हम ये नोटिफिकेशन जो है आज एंड सिलेबस डिस्कस करेंगे ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की एंड सेकेंड क्लास हमारी शाम को सात बजे अपलोड होगी जहाँ पे हमारा इंग्लिश वाला कॉम्पोनेंट स्टार्ट करेंगे ठीक है आज हमारा सिलेबस डिस्कशन इम्पोर्टेंट था कोर्स स्टार्ट करने से पहले यू विल गेट एन आइडिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं एंड शाम को इंग्लिश होगा कल हमारा इंग्लिश एंड कंप्यूटर साथ में चलेगा ठीक है तो सारा सिलेबस क्या है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा बहुत हमें इंट्रोडक्शन भी इसमें मिल जाएगा कि कैसे करके हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है अगर आपने अभी तक करंट क्रंच ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप करंट क्रंच डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या आप मेरी वेबसाइट आपको नीचे लिंक मिल जाएगी वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा आपको एक तो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड सेकेंडली हमारे रेगुलरली टेस्ट होंगे हर संडे हमारा टेस्ट होगा एंड इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है एंड पी भी आपको इस कोर्स में ही सारा मिल जाएगा तो काफी इम्पोर्टेंट पोस्ट uh, है ये इस हिसाब से भी uh, उन बच्चों के लिए ज्यादा जो मैथ्स से डरते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग से क्योंकि इसमें बिल्कुल आपका मैथ्स का पोर्शन कुछ नहीं है तो उस हिसाब से सिलेबस को काफी सिंप्लीफाई किया गया है पोस्ट भी ठीक ठाक हैं एट्टी वन पोस्ट जो है वो एडवर्टीज की गई और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहां पे देखेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ऐप आप की लिंक भी मिल जाएगी कोर्स परचेज करने की लिंक भी मिल जाएगी ठीक है जो मुझे YouTube पे देख रहे हैं जो ये वीडियो हमारा डायरेक्टली क्लास में देख रहे हैं तो जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फर्स्ट क्लास होगी आज की एंड शाम को सात बजे आपका इंग्लिश वाला वीडियो भी अपलोड हो जाएगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करने होंगे जो एंड तक बच्चों को नहीं समझ में आते हैं उनको टेंशन रहती है कि क्या होगा अब जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका जिसको हम सीबीटीबी शॉर्ट में बोलते हैं दैट मीनस ए सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम होगा लेबोरटरीज में होगा कंप्यूटर लैब्स में आपके सामने कंप्यूटर होगा और एक सॉफ्टवेयर रन करते हैं वो एंड आपको कंप्यूटर पे ही क्वेश्चंस वगैरह आपने जो है सिलेक्ट करने होते हैं ठीक है अब इसमें आपको मेरे कोर्स का क्या फायदा आएगा क्योंकि हर संडे जो एग्जाम होगा हमारा या मेरी ऐप पे आप दे सकते हैं वो अगर आप यूज़र हैं अगर आप एस यूजर हैं वो वेबसाइट पे दे सकते हैं तो वो सीबीटी फॉर्मेट में ही होगा ठीक है हर संडे आप एक सी टेस्ट दोगे तो उससे क्या होगा आपका जो पैनिक एग्जाम में होता है वो वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा क्योंकि बाई देन यू विल बी ऑफ दिस क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन ठीक है 80 मार्क्स का आपका ऑनलाइन सीबीटी होगा फिर आपका इंटरव्यू होगा ट्वेंटी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है बी ऑफ मिनट्स ड्यूरेशन ठीक है तो कितने का होगा आपका घंटा ट्वेंटी मिनट्स तक का एग्जाम होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इसीलिए काफी अच्छी पोस्ट ही निकली है काफी ईजी हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि इसमें कोई आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी देयर no... और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें कोई कट ऑफ नहीं होंगे पे आपका होगा एक post के अगेंस्ट कितने बच्चे को करेंगे? Five students को करेंगे अगर हमारी स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स फर्स्ट फोर हंड्रेड फाइव जो है वो आपके सिलेक्ट होंगे एंड ऑब्वियसली इसमें कैटेगरीज वगैरह का जो है वो ऐड हो जाएगा जैसे ओपन मेरिट के लिए कितनी पोस्ट हो गई फिर

हम बाद में इसका प्रीवियस प्रीवियसियर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके कोर्स में एंड आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करो बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एंड sure आई हंड्रेड परसेंट दू कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए इंशाल्लाह बाद में आपकी मेहनत आपकी सिंसियरिटी वो तो है ही लेकिन मेरा कोऑपरेशन हंड्रेड परसेंट रहेगा इसमें स्टूडेंट्स के साथ क्योंकि मुझे पर्सनल लेवल पर भी ये सिलेबस काफी पसंद है जो इन्होंने सेट किया है पहले आपका इंग्लिश है मेजोरिटी थर्टी परसेंट ठीक है थर्टी मार्क्स आपके इंग्लिश के हैं तो so, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है आर्टिकल्स वर्ब्स टेंसेज प्रपोजिशन वगैरह जो हम यूजुअली बी के इंग्लिश वाले पोर्शन में पढ़ते हैं इसमें आपका जीके वाला पोर्शन नहीं है जो एस का स्टैंडर्ड रहता है जेके एस का ठीक है क्योंकि जेके हाईकोर्ट का एग्जाम है तो इसका सिलेबस भी अलग ही है जैसे हम जीके पढ़ते हैं फिर जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जीके ऑफ इंडिया तो काफी ज्यादा वास्ट हो जाता है तो इसमें काफी चीजें स्किप की गई हैं फिर है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये आपका इंग्लिश वाला पार्ट आ गया थर्टी मार्क्स का ठीक है फिर है आपका जनरल नॉलेज दिस पार्ट में कम्प्राइज क्वेश्चन रिलेटिंग टू द करंट अफेयर अब देखो जो जनरल नॉलेज है ना ये हम यूजली दो तरीकों से एग्जाम्स में पूछा जाता है ठीक है एक जनरल नॉलेज होता है आपका स्टैटिक एंड एक आपका होता है करंट तो ये आपको आइडिया दे रहा है कि आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड अगर हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो उसमें जीके जो है वो करंट से ही आया था लेकिन हमारे कोर्स में करंट पे फोकस होगा ही साथ में आपको मैं स्टैटिक पोर्शन भी करवाऊंगी जीके का क्योंकि यू नेवर नो हो सकता है स्टैटिक पोर्शन से भी कोई क्वेश्चन आ जाए अब स्टैटिक जीके कौन सी होती है फॉर एग्जाम्पल जो चीजें नहीं बदलेंगी जैसे सीएम कौन थे गवर्नर कौन थे पहले पहले सीएम कौन थे सदर रियासत कौन थे ठीक है ये सारी चीजें जो है स्टैटिक जी बोलते हैं जो जनरल नॉलेज आपको देता है किसी स्टेट का एंड वो चेंज नहीं होगा कैन यू चेंज कि फलानी ईयर में कौन से सीएम थे वो तो चला गया ना वो आपका स्टैटिक होता है एंड करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो हमें करना ही करना है अभी रिसेंटली जो भी चीजें हुई हैं हम वो जम्मू एंड कश्मीर का करंट अफेयर्स भी करेंगे एंड इसमें इंडिया का करंट अफेयर्स भी करेंगे एंड वो स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी ठीक है पीवाई क्यू तो यूल गेट एन आइडिया किस तरीके का करंट अफेयर्स उनसे पूछा था एंड थर्ड पार्ट इज ये कंप्यूटर्स कंप्यूटर अगेन जनरल रिलेटिंग टू द नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट कंप्यूटर सिस्टम पी वाई क्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी किस टाइप का पूछा जाता है एंड इसमें हम क्या 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 पोर्शन कवर करेंगे जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा बहुत फिर आपका एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स हो गया ठीक है फिर आपका आ जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो हम इसमें देखेंगे कौन से होते हैं फिर आपका आ जाता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ठीक है फिर एम एस वर्ड एमएस एम एस एक्सेल वर्ड एक्सेल वगैरह तो बिल्कुल जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सारी हम इसमें कवर करेंगे आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे प्लस आपको हर चीज का पीडीएफ भी मिलेगा तो एक्स्ट्रा आपको मटेरियल ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है एंड फोर्थ पार्ट इज योर कोर्ट रिलेटेड तो कंप्यूटर जो है वो आपके कितने मार्क्स का है फिफ्टीन मार्क्स का एंड जनरल नॉलेज इज योर ट्वेंटी फाइव मार्क्स तो मोस्टली बच्चे किससे डर रहे हैं कोर्ट जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वाला ये जो चीज है जो टेन मार्क्स का है पहली बात इसकी वेटेज बहुत कम है लेकिन कवर करना है हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है वेटेज कम है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन हमें कवर करना है ठीक तो है तो ये सिंपल है ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी कुछ हम टर्म्स देखेंगे लीगल टर्म्स जो यूज करती हैं आपको कल को जब आप जूनियर असिस्टेंट बन जाओगे कोर्ट में डे टू डे टर्म्स डेली टर्म्स जो वहाँ पे यूज होती हैं उनका पीडीएफ भी मिल जाएगा विद मीनिंग ठीक है एंड विद एग्जांपल भी मैं आपको अच्छे से वो सारा पीडीएफ में दे दूंगी प्लस मैं आपको उसका हम वीडियो भी ऑब्वियसली बनाएंगे मैं आपको समझा भी दूंगी जैसे हमने सुना होगा आपने सुना होगा ये वर्ड एफिडेविट टर्म आपने सुना होगा एम श्योर sure सुना होगा तो एफिडेविट क्या होता है ठीक है या हम सुनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हम सुनते हैं ये बेंच क्या होता है ऐसे सारे लीगल टर्म सिंपल सिंपल लीगल टर्म जो हमने सुने आर्बिट्रेशन क्या होता है तो इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा जिसमें सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी हर टर्म प्लस हमारी वीडियो क्लास भी चलेंगी ये सारी चीजें तो दो तीन क्लासेस में ही आपका ये पोर्शन कम्पलीट हो जाएगा कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश हम स्टार्ट करेंगे अभी एंड साइड हमारा कुछ एक दो वीक्स के बाद जी वाला पोर्शन जो है करंट अफेयर्स वो भी हम स्टार्ट करेंगे तो आप हमारा क्लास का शेड्यूल कैसा रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ पेड बैच के लिए भी एंड जो लोग आगे एनरोल करने वाले हैं उनके लिए भी आज से क्लासेस स्टार्ट है दिस वॉज ए फर्स्ट क्लास जरूरी था कि आपको इंट्रोडक्शन दू सात बजे आज आपका इंग्लिश जो है वो होगा ठीक है तो आपका कल दो क्लासेस होंगी इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स तो क्लास शेड्यूल हमारा वीकली बेसिस पे होगा वीक के स्टार्टिंग में ही मंडे आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा आप ज्वाइन करो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहां पे हर मंडे में टाइम टेबल शेयर कर दूंगी आपकी फाइव डेज अ वीक क्लास होंगी दो क्लासेस आपकी पर डे होंगी ठीक है टू डेज फिर सैटरडे आप क्या करोगे सैटरडे यू विल रिवाइज जो भी हमने सारा पढ़ा होगा संडे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो मैंने सीबीटी फॉर्मेट कहा था उसमें आपका वो टेस्ट आप ऐप पे भी दे सकते हो या अगर आप आईओ यूजर हो तो आप वो वेबसाइट पे भी दे सकते हो उससे क्या होगा आपने जब खुद से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की प्रैक्टिस की होगी हर वीक हर हद दिन वो टेस्ट दिया होगा तो फिर आप नर्वस नहीं हो जाओगे फाइनल एग्जाम्स में प्लस आपको जो टेस्ट सीरीज है वो इस कोर्स में इंक्लूडेड मिलेगी एंड टेस्ट सीरीज हम यूजली कब लेंगे जब आपका जो एग्जाम आने वाला होगा उससे एक महीना पहले जैसे टेस्ट सीरीज या बीस दिन पहले टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो सीरीज़ तो आपको अलग से परचेज नहीं करनी होगी वो कोर्स में इंक्लूडेड है तो ये सारी चीजें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सऐप कर सकते हैं सेवन डबल जीरो डबल सिक्स डबल सेवन डबल टू फाइव फाइन टोटिलेट अडियो टेक केयर है